और अब खबर अजमेर से, जहां पर नव मनोनीत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। वासुदेव देवनानी बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जो उनसे मिलने के लिए मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में नव मनोनीत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ, उनके समर्थकों के साथ वासुदेव देवनानी मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। हमारे सहयोगी नवीन वैष्णव जुड़ गए हैं। नवीन, वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है और ऐसे में लंबे वक्त से जिस क्षेत्र से वो विधायक बनते आ रहे हैं, वहां पर जो लोग हैं वो लगातार उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं और खुशी की लहर है। ऐसे में वासुदेव देवनानी अब बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि अजमेर विधानसभा से जो पांचवी बार विधायक बनकर चुने गए और अब उन्हें विधानसभा के अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, और अब विधानसभा के अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद पहली बार आज वासुदेव देवनानी जो है अजमेर प्रवास पर आ रहे हैं। उनके आने को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। यह भाजपा मुख्यालय है, यहाँ पर इनका स्वागत का कार्यक्रम है और आप देख सकते हैं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता, उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी के हाथों में की बात करते हैं, या को जिस गाड़ी से ले जाया जाएगा वह गाड़ी देख सकते हैं कि गाड़ी को पूरी तरह से सजा दिया गया है और पुलिस की ओर से भी यहाँ पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो वासुदेव देवनानी है वह कुछ ही क्षण में यहाँ पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत का कार्यक्रम है, तो नंदनी आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वह देखते ही बन रहा है, और कार्यकर्ता देवनानी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वही देवनानी की बेसब्री से प्रतीक्षा काफी समय से ये कर रहे हैं। जी नंदनी, जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में वासुदेव देवनानी के समर्थक जो लगातार उन्हें विधायक भी क्षेत्र से बनाते हुए आए, और सर्व समाज पर यानी बड़ी पकड़ वासुदेव देवनानी अजमेर के अंदर रखते हैं, और अब स्पीकर बनाए जाने पर लोग खुश हैं, उनके समर्थक खुश हैं। स्वागत यहाँ पर होगा, सम्मान होगा, और उसके बाद कल तो शपथ ग्रहण समारोह है, तो वहाँ पर जाहिर तौर पर वासुदेव देवनानी पहुँचेंगे। तो उसके पहले जो आज का दिन रहने वाला है वो मान मनवल का और मुलाकातों का रहने वाला है। कितनी भीड़ या कितने लोग वासुदेव देवनानी से मिलने के लिए पहुँच रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं कि अगर भाजपा मुख्यालय की बात हम करें तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और लोग मौजूद हैं जो वासुदेव देवनानी के स्वागत के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। और अब आगे की अगर हम बात करें तो अजमेर के जो विभिन्न स्थान है, यहाँ से उन्हें सोफिया कॉलेज के बाहर होगा, उसके बाद कलेक्ट्रेट चौराहे पर, अम्बेडकर सर्किल पर, इसके बाद आगे आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अजमेर की तस्वीरों को आपने देखा, आज वासुदेव देवनानी का स्वागत किया जा रहा है।